हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल स्टेडियम कराची के पिच रिपोर्ट के बारे में। अगर हम कराची की पिच रिपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल आप देखोगे टोटल 8 या 6 के आसपास जो मैचेज यहाँ पे होने वाले हैं और एक ही ग्राउंड पे सारे मैचेज होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं T20 के लिहाज से, कि T20 के जो पहला 3 T20 मैचेज है उसके लिहाज से जो हम लोग पिच रिपोर्ट यहाँ पे जो है वो देख रहे हैं। जब ODI होगा तो ODI के हिसाब से जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है पिच रिपोर्ट जो है वो बहुत ध्यान से सेलेक्ट करना है। आपको मैं बताऊंगा किस तरह से जो है आपको सेलेक्ट करना है, किस डिपार्टमेंट में जो कैसे सेलेक्ट करना है। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो। और अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो तो ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है और साथ में आप कॉल थ्रू डिस्कस करके टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं तो इसका हम थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। ये स्टेडियम जो है वो काफ़ी पुराना है, लेकिन अभी जो है आपको पता है कि 2013 के बाद से जब श्रीलंका पे जो टीम श्रीलंका की थी वहाँ पे जो है एक तरह से टेररिस्ट अटैक हुआ था उन पे, और वहाँ से एयरलिफ्ट कराया गया था सभी को, सभी जो खिलाड़ी थे वहाँ से। उसके बाद से पाकिस्तान में मैसेज होना बंद हो गया। धीरे धीरे ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो टीमें आए और खेलें, लेकिन अभी भी जो है आप देखोगे कि जो बड़ी टीमें हैं वो पाकिस्तान में आती नहीं है, छोटी छोटी टीमें जो है वो आती रहती है। और टीमें आती भी हैं जैसे वेस्ट इंडीज़ आते रहता है, तो वेस्ट इंडीज़ के जो बी टीम टाइप का है वही जो है आते रहता है। लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि वेस्ट इंडीज़ के जो अच्छे अच्छे प्लेयर हैं वो जो है आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे तो इसको जो है नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। कैपेसिटी इसकी 35,000 के आसपास है, 34,500 के आसपास, और इतने लोग रहेंगे नहीं ये भी जो है वो भी देखना होगा क्राउड कितना अलाउ कर रहे हैं ये। उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं तो लोकेशन कराची पाकिस्तान में है और टाइम जोन है वो इंडिया से आधा घंटा पहले जो आपको पता है पाकिस्तान आता है। और होम जो ग्राउंड जो है देखने को मिलेगा कि ये पाकिस्तान का और कराची किंग का जो कि PSL का टीम है। अब यहाँ पिच रिपोर्ट की बात करते हैं तो अभी तक जो भी यहाँ पर मैचेज हुए हैं टोटल इंटरनेशनल मैचेज में, जब से ग्राउंड दोबारा खुला है तब से इंटरनेशनल मैचेज 4 हुए हैं यहाँ पे। PSL के बहुत सारे मैचेज जो है यहाँ पे हो चुके हैं, तब उस लिहाज से देखोगे तो ये ग्राउंड जो है बैटिंग ग्राउंड पिच है। और बैटिंग ग्राउंड पिच होने का मतलब यह है कि एक तरह से रन जो है वो बैटिंग के लिहाज से ज़्यादा बने, और इसका है भी कि इसका जो बाउंड्री एरिया वो काफ़ी छोटा है, यानी कि बाकी ग्राउंड के कंपेयर में देखोगे तो इसका बाउंड्री एरिया जो है वो काफ़ी छोटा है। और आपको PSL में भी ये चीज़ें देखने को मिला होगा पिछले एडिशन का, कि जहाँ पे दो ग्राउंड पे जो है मैचेज हो रहे थे और वहाँ पे जो इस ग्राउंड पे मैचेज शुरुआत में जब हुआ था तो बहुत ही ज़्यादा रन जो है बन रहे थे, 190 प्लस रन बन रहा था, 196, 195, 180 प्लस रन है, और आसानी से जो है वो 20 ओवर में चेस हो जा रहा था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसा जो है वो ग्राउंड होगा जहाँ पे 190 प्लस 195 प्लस रन जो है वो आसानी से चेस हो रहा था। तो इस तरह का जो है ग्राउंड है कि जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है बिल्कुल फ्लैट जो है वो होता जाता है और बैटिंग में जो है कन्वर्ट होता जाता है। लेकिन अब सोचने वाली ये बात है कि इतने दिनों बाद PSL जो है वो पिछले साल हुआ था कोरोना से पहले, यानी कि 2020 में कोरोना का लहर आ रहा था, उसके पहले जो है वहीं पे जो ग्राउंड जो है वो हो रहा था PSL, और उसके बाद से जो है अभी जो है लास्ट यहाँ पे मैचेज होगा। तो शायद फर्स्ट मैच में आप देखोगे थोड़ा सा कम रन जो है देखने को मिल जाए, लेकिन जैसे जैसे जो है यहाँ पे बैट्समैन इसके आदि होते जाएंगे और रन जो है वो अच्छा खासा बनते जाएगा। और एक बात तो है कि रन के लिहाज से जो है यहाँ पे अच्छा जो है वो ग्राउंड होने वाला है, बहुत ज़्यादा जो है मज़ा आने वाला है और बहुत ज़्यादा जो है रनेज भी आपको देखने को मिलेगा। और होम ग्राउंड है कराची किंग का, तो पाकिस्तान का भी जो है होम ग्राउंड है, तो पाकिस्तान जो है यहाँ पे आपको ज़्यादा बेटर खेलेगा बाकी टीमों के कंपेयर में, क्योंकि वो इनका होम ग्राउंड है, प्रैक्टिस भी यहीं करते हैं, तो उनको जो है इस पिच के बारे में हर चीज़ जो है आइडिया है, किस साइड जो है बाउंड्री आसानी से लग जाता है, किस साइड जो है बॉलिंग कराना है, ये सारी चीज़ जो है पाकिस्तान को जो है वो अच्छे से ख्याल में रहेगा। तो पाकिस्तान जो है आप इसका बेनिफिट जरूर लेगा। हाईएस्ट रन आप अगर T20 के लिहाज से देखोगे तो इंटरनेशनल मैचों की मैं बात कर रहा हूँ तो 205 जो है यहाँ पे हाईएस्ट है। अगर यहीं आप हम बात करें कि आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अगर बात करते हैं कि PSL के लिहाज से, तो PSL में जो है वो 230 प्लस जो है रन यहाँ पे हाईएस्ट है। और लास्ट 4 मैचों में ODI में अगर बात करते हैं तो सबसे जो लोएस्ट स्कोर है वो है वेस्ट इंडीज़ का। और जैसे जैसे ग्राउंड ओल्ड होता जाता है वो बैटिंग को जो है वो फेवर करता है, साथ में जो बॉलिंग में स्पिन होता है उनको थोड़ा सा ज़्यादा फ्रेंडली जो है वो होते रहता है, ये बॉलिंग भी उनके लिहाज से थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन दिक्कत ये होता है कि बाउंड्री जो यहाँ पे थोड़ा सा स्मॉल है, स्पिनर जो है मेनली कैच करवा सकता है लेकिन बाउंड्री के बाहर जो है वो चला जाता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बॉलिंग को जो है बिल्कुल भी मदद नहीं मिलता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बॉलिंग को मदद नहीं मिलता है, थोड़ा सा सूझबूझ से जो है बॉलिंग किया जाए तो यहाँ पे अच्छे बॉलरों को आपको ज़्यादा जो है वो बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो ग्राउंड है वो मेनली डिफेंडेबल जो है वो ज़्यादा कंपेयर माना जाता है, कि ये जो है ज़्यादा डिफेंड जो है वो करते रहता है, और उसी लिहाज से जो यहाँ पे आपको जो है चीज़ें होता हुआ जो है वो नज़र आएगा। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो अभी देखोगे कि जिस तरह का जो है यहाँ पे ग्राउंड है, टोटल 4 मैचों में से जो आप देखोगे 3 जो है यहाँ पे फर्स्ट बैट ने जीता है, एक जो है वो सेकेंड बैट ने जीता है, यानी कि टोटल 1 मैच जो है वो यहाँ पे चेस हुआ है। और जो एवरेज स्कोर है वो है यहाँ पे 190
वन है जो है एवरेज स्कोर है। तो एवरेज स्कोर जब देखोगे कि एक अच्छा खासा जो है एवरेज स्कोर है, और अगर इतना एवरेज स्कोर बनता है तो एक बहुत ही अच्छा जो है स्कोर आपको देखने को मिलेगा। इसका स्कोरिंग पैटर्न की बात करते हैं, 150 से 70 के बीच में जो एक स्कोर बना है, 190 से ऊपर जो है तीन स्कोर बना है, और अगर हम डोमेस्टिक की बात करते हैं तो 34 मैच में आप देखोगे यहाँ पे 9 जो है वो सिर्फ डिफेंड हुआ है, और यहाँ पे देखोगे सेकेंड बैट जो है वो चेस करके 25 मैच जो है वो जीता है, जो कि मैं कह रहा था यहाँ पे डिफेंड करना स्कोर बहुत ही मुश्किल जो है वो डोमेस्टिक मैच में हो जाता है। और फर्स्ट बैट अप्रोच भी आप देखोगे तो 170 के ऊपर है, यानी कि बहुत ही अच्छा स्कोर जो है यहाँ पे बनता है डोमेस्टिक मैचों में भी, और जैसे मैंने बताया था कि 230+238 जो है वो यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर है डोमेस्टिक मैचों में। और स्कोरिंग पैटर्न में भी आप देख सकते हो कि किस तरह से जो है यहाँ पे पिटाई होता है, तो 150 से ऊपर नीचे जो है 10 स्कोर है, 150 से और 70 के बीच में जो है 8 स्कोर है, और 170 से 90 के बीच में 7 स्कोर, और 190 से ऊपर जो है 9 स्कोर आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे तो आपको देखने मिलेगा कि अभी तक जो है आप मुझसे नहीं जुड़े हो तो ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है, साथ में आप कॉल पर डिटेल सर्च करके टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, यहाँ पे इससे रिलेटेड जो है सारे इन्फॉर्मेशन आपको जो है प्रोवाइड कर दिया जाता है, और ये डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से जो आप मुझसे जुड़ सकते हो और एक अच्छा सा बेनिफिट जो है वो आप ले सकते हो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट आप बिल्कुल भी मिस ना करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।